बिहार में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट के बीच 1616 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में अब तक कोरोना का आंकड़ा 1,66,987 तक पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि सक्रिय मरीज 14,727 ही बचे हैं। वहीं अगर बात करें 24 घंटे में मौत के आंकड़े की तो 859 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बिहार का रिकवरी रेट 91.17% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 13% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट में बताया कि दो दिनों में सर्वाधिक संक्रमित पटना से मिले हैं। 18 सितंबर को पटना से 290 और आज 199 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना का रिकवरी दर अब 91.55% हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि प्रदेश में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या करीब 14,727 रह गई है। पिछले दो दिनों में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। 17 सितंबर को 5 और 18 सितंबर को 4 लोगों की मौत हुई। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 859 लोगों की जान गई है। इसके पहले शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में कोरोना के 1.05 लाख से अधिक टेस्ट किए, जिसमें करीब 1.5% यानी 1,616 नए संक्रमित मरीज मिले। अब तक राज्य में 1,66,987 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट में बताया कि जो नए कोरोना मरीज मिले हैं उनमें अकेले पटना जिले से 290 पॉजिटिव मरीज हैं। पटना जिले से अब तक कोरोना के कुल 24,884 मरीज मिल चुके हैं। पटना में मिले संक्रमितों में अब तक 22,797 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पटना के अलावा अन्य जिलों से 11 से लेकर 95 संक्रमित तक मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,465 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस महामारी से अब तक 1,49,722 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि राज्य में अब तक 859 लोगों की जान कोविड संक्रमण से जा चुकी है। हालांकि सरकार का दावा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकांश दूसरी कई गंभीर बीमारियों के शिकार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।